नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। विंध्य क्षेत्र क्रांतिकारियों की भूमि है, जिसमें अनेक वीर सपूतों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए त्याग बलिदान की महान परंपरा को कायम रखा। इन बहादुर सपूतों में एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व ओंकारनाथ खरे का है, जिन्होंने किशोरावस्था में ही देश की आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत के अन्यायी हस्तक्षेप के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में युवा वर्ग का नेतृत्व करते हुए कठोर से कठोर सजा को वर्ण करके देश की आजादी के आंदोलन को गतिशील बनाने में ऐतिहासिक योगदान दिया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिहावल नामक स्थान में क्रांतिकारी ओंकारनाथ खरे का जन्म 1 जुलाई 1925 को हुआ था। तत्समय उनके पिता श्री मुन्ना लाल खरे स्थानीय परमठ चौकी में मुंशी के पद पर तैनात थे। शैशव काल में जब ओंकारनाथ मात्र 9 माह के थे, तब उनकी मां स्वर्ग सिधार गई। बड़े भाई केदारनाथ खरे उनसे 5 साल बड़े थे। बचपन में ओंकारनाथ खरे का पालन पोषण उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मंगरोही मजहरपुर वर्तमान में जिसे कौशाम्बी नाम से जाना जाता है हुआ। उनकी माँ की निकट रिश्तेदार भगवती खरे ने उन्हें माँ की तरह लाड़ प्यार दिया। पिता मुन्ना लाल खरे ने कच्ची गृहस्थी संभालने के लिए पुनर्विवाह किया। एक भाई का जन्म और हुआ, जिनका नाम गणेश प्रसाद खरे रखा गया। ओंकारनाथ खरे कुछ बड़े हुए तो अपने पिता के पास आ गए। रीवा शहर के तरहटी मोहल्ला में उनके पिताजी ने मकान खरीदा, जिसमें सभी रहने लगे। सन 1942 में महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के अत्याचारी हुकूमत के खिलाफ अपने अपने तरीके से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। विंध्य क्षेत्र में तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लोहा लेने में ठाकुर रमा सिंह, श्याम साय एवं उनके साथियों की शहादत काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। रीवा एक रियासत थी जिस पर निगरानी के लिए अंग्रेजों ने एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्त कर रखी थी। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के पहले अंग्रेजों के खिलाफ रीवा में विद्रोह का स्वर मुखर होने लगे थे। तत्कालीन महाराजा गुलाब सिंह का अंग्रेजों से टकराव चल रहा था। अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर जन आक्रोश भी बढ़ता जा रहा था। इस दौरान रीवा में अंग्रेजों की मनमानी के खिलाफ जन आंदोलन चल पड़ा, जिसमें कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्थानीय स्तर पर पंडित शंभुनाथ शुक्ला, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, लाल यादवेंद्र सिंह आदि कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। सन 1942 के आज़ादी के आंदोलन के दौर में 17 वर्ष के ओंकारनाथ खरे अपने जोशीले व्यक्तित्व के चलते विंध्य क्षेत्र के युवा वर्ग में विशेष पहचान रखते थे। एक सत्याग्रही के रूप में ओंकारनाथ खरे ने अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्हें 38 DIR के अंतर्गत नज़रबंद बनाकर रीवा केंद्रीय कारागार में रखा गया। उन पर मुकदमा चला। देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के आरोप में उन्हें 6 माह का कठोर कारावास एवं ₹150 का अर्थदंड दिया गया। अर्थदंड अदा न करने पर उनकी कठोर सजा की अवधि को 2 माह और बढ़ा दिया गया। श्री खरे ने जेल यातनाओं से कभी हार नहीं मानी। जेल में उन्हें आड़ा बेड़ी में रखकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस दौरान उन्हें 31 बेतों की बर्बर सजा भी सुनाई गई। नंगे बदन लगाई जाने वाली हर बेत पर ओंकारनाथ खरे इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय और महात्मा गांधी जिंदाबाद का क्रांतिकारी उद्घोष करते रहे। किशोरावस्था में 31 बेत लगने पर भी ओंकारनाथ खरे के इंकलाबी नारों के जोश में कमी नहीं आई थी, लेकिन लव लुहान शरीर ने साथ नहीं दिया और वह बेहोश हो गए। शेष 10 बेतों की सजा स्वास्थ्य कारणों के चलते रोक दी गई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान रीवा जेल में क्रांतिकारी जीवन व्यतीत कर ओंकारनाथ खरे जब बाहर आए तो उन्होंने अपनी अवरुद्ध पढ़ाई को फिर से शुरू किया। उनकी हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। छात्रों युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता अद्भुत थी। उनकी एक आवाज़ पर विंध्य क्षेत्र का नौजवान आंदोलित होता था। सन 1947 में वह सुखद पावन क्षण आया जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ। ओंकारनाथ खरे विंध्य क्षेत्र के इकलौते महाविद्यालय दरबार कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर भारी बहुमत से विजयी हुए। उन्होंने प्रतिद्वंदी अर्जुन सिंह को शिकस्त दी थी, जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और पंजाब के राज्यपाल बने। श्री खरे की अध्यक्षता वाले छात्र संघ में श्रीनिवास तिवारी महासचिव चुने गए थे। छात्र संघ के उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में दरबार कॉलेज में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ, जिसमें BHU के कुलपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मुख्य अतिथि थे, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। ओंकारनाथ खरे विंध्य क्षेत्र के समाजवादी आंदोलन के आधार स्तंभ थे। उनके प्रमुख साथियों में कृष्णपाल सिंह, जगदीश जोशी, श्रीनिवास तिवारी, रामकिशोर शुक्ला, श्रवण कुमार भट्ट, शंकरलाल सक्सेना, सिद्ध विनायक द्विवेदी, राणा शमशेर सिंह, यमुना प्रसाद शास्त्री, जगदम्बा प्रसाद निगम, श्याम कार्तिक आदि अनेक महत्वपूर्ण हस्तियां थीं। सन 1952 में शिवरात्रि के दिन मध्य प्रदेश के दमोह शहर में सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर
लैंड रिकॉर्ड रामचंद्र खरे की ज्येष्ठ पुत्री उमा खरे से उनका विवाह संपन्न हुआ। 1953 में विंध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुए। सेवा काल के दौरान अपनी स्वतंत्र निर्भीक न्यायप्रिय कार्यशैली के चलते वे बड़े नौकरशाहों के प्रकोप का शिकार बने। करीब 30 वर्ष के शासकीय सेवा काल में उन्हें एक भी पदोन्नति नहीं मिली। उनकी दक्षता के विपरीत उनके आगे बढ़ने के अवसरों का जिस तरह से हनन हुआ, जिससे उन्हें गहरा आघात लगा। देश की आज़ादी के आंदोलन के इस महान योद्धा के साथ मरणोपरांत न्याय भी नहीं हो सका। गत 2 वर्ष पहले देश में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया गया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके परिवार के साथ पूरी उपेक्षा का माहौल बना हुआ है। उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर शासन प्रशासन में बैठे लोगों के द्वारा कभी 2 फूल भी अर्पित नहीं किए गए। भारत सरकार के द्वारा सन 1972 में उन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश शासन का प्रशस्ति पत्र 50 वर्ष बाद भी उनके घर तक नहीं पहुंचा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय खरे के बारे में जिला अध्यक्ष कार्यालय रीवा के द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जबकि ताम्रपत्रधारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय ओंकारनाथ खरे का नाम रीवा जिला कार्यालय की सूची क्रमांक 7 पर दर्ज है। भ्रष्ट नौकरशाही इस कदर हावी है कि उधर उनके वंशजों के प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए जा रहे। स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के महान योगदान के चलते देश को आज़ादी मिली, जिसके चलते भारत के लोग आज शासन कर रहे हैं। जनता के बीच से लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति उनका आदर भाव महज दिखावा रह गया है। उनके जीवन काल का अंतिम समय नारायण नगर रीवा स्थित 2HT शासकीय आवास में व्यतीत हुआ। वहीं पर उनका स्वर्गवास 20 अक्टूबर 1990 को हुआ। 3 वर्ष पहले 2 अक्टूबर 2020 को उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उमा खरे का नेहरू नगर रीवा में 87 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो चुका है। वर्तमान में उनकी ज्येष्ठ पुत्री उषा सक्सेना, पत्नी स्वर्गीय श्याम मोहन सक्सेना भोपाल में है। ज्येष्ठ पुत्र अजय खरे लोकतंत्र सेनानी रीवा, पुत्र वधु डॉक्टर गायत्री खरे रीवा में निवास कर रही हैं। मझली पुत्री माधुरी लाल पत्नी एवी लाल भोपाल में है। संजली पुत्री आभा श्रीवास्तव, पत्नी राजीव श्रीवास्तव जबलपुर में रह रही हैं। श्रीमती शोभा सक्सेना, पत्नी विश्वमोहन सक्सेना भोपाल में है, जबकि कनिष्ठ पुत्र अभय खरे शहडोल, नाती डॉक्टर सचेत सक्सेना, नौबधू डॉक्टर कनिका सक्सेना एवं नाती संचित सक्सेना, आत्मज उषा सक्सेना, पौत्र अभिषेक खरे एवं पौत्र वधु अंजलि पांडे खरे, पौत्र अभिजीत खरे, आत्मज अजय खरे, नाती शुभम श्रीवास्तव, नातिन काजल श्रीवास्तव, आत्मज आभा श्रीवास्तव एवं नाती दीप सक्सेना शोभा सक्सेना उनकी पावन स्मृति के प्रतीक रूप में आज भी मौजूद है।